नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के चलते एनपीआर का फैसला टाल दिया गया है। इसके पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से होनी थी, लेकिन देशभर में लगे हुए लॉकडाउन के कारण जनगणना और एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया कर पाना संभव नहीं है, जिस कारण गृह मंत्रालय ने अगले आदेश तक इस प्रक्रिया को टाल दिया है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल एक पत्रकार कोरोना से संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद हंगामा हो गया है। इससे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकार और नेताओं के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। बता दें, इस पत्रकार की बेटी कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद पत्रकार भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। खबर सुनकर हंगामा हो गया है और हजारों लोगों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर देश भर में किए गए 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी मंत्री लगभग 1 मीटर की दूरी पर बैठे हुए दिखाई दिए। देश में किए गए लॉकडाउन की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सराहना की है। इतना ही नहीं, चिदम्बरम ने देशवासियों से अपील की कि इस मुश्किल वक्त में वे प्रधानमंत्री मोदी को कमांडर समझें और पैदल सैनिक की तरह उनकी कही बातों का अच्छे से अनुसरण करते हुए कोरोना वायरस का मजबूती से सामना करें। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक देश में कुल 562 संक्रमित मामले आ चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 40 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है, जबकि दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,22,000 से ज्यादा पहुंच गई है और लगभग 19,000 लोगों की मौत भी हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट में फैसला हुआ है कि अब देश के 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते ये फैसला अगले 3 महीने तक लागू रहेगा। ऑनलाइन सामान बेचने वाली वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। फ्लिपकार्ट ऐप और वेबसाइट पर सर्च ऑप्शंस में सभी प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक बताया गया है। फ्लिपकार्ट ने अपने संदेश में कहा है, आपकी जरूरतें हमारे लिए सबसे अहम हैं और हमारा वादा है कि हम जल्द से जल्द आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अमेज़न ने भी अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है और केवल जरूरी चीजों की ही डिलीवरी करेगा। ब्रिटेन के शाही परिवार में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वायरस की चपेट में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स आ गए हैं। वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। 71 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स का कोरोना वायरस का टेस्ट स्कॉटलैंड में किया गया था। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों ने छलांग लगाई है और एक दिन में ही 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने आशंका जताई है कि कोरोना का अगला केंद्र अमेरिका ही हो सकता है। अमेरिका में अभी तक कुल 42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 560 के करीब मौत हो चुकी है। अचानक से मामलों में आई उछाल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सरकार की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। विकसित देशों के संगठन G20 का वर्चुअल सम्मेलन कोरोना की रोकथाम के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए होगा। यानी इसके सदस्य देशों के प्रमुख एक निश्चित समय पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ये कॉन्फ्रेंसिंग कल होने की बात कही जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया। सुबह लगभग 4:30 बजे नवरात्रि के पहले दिन ये समारोह किया गया। रामलला को लगभग 27 साल बाद शिफ्ट किया गया है। इससे पहले 1992 से वो राम जन्मभूमि में विराजमान थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारे पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें लगभग 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। बता दें, आतंकवादियों ने धर्मशाला पर हमला कर दिया, जिसमें वहां मौजूद लोगों में 25 की जान जाने की खबर है, जिसकी भारत ने कड़ी आलोचना की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।